दोस्तों अगर आप भी परेशान हो गए हो चाइनीज फोन्स ले लेकर, अब भले ही उनमें स्पेक्स तो अच्छे मिल जाते हैं जब आप खरीदने जाते हो तो, लेकिन एक दो साल के बाद वो फोन्स काफी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एकदम रेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सैमसंग के फोन्स बताऊंगा मेरे हिसाब से कौन से बेस्ट फोन है हर प्राइस पॉइंट पे, चाहे आपका बजट 5,000 का हो या बजट 50,000 का हो। मैं आपको एक या दो रिकमेंडेशन दूंगा अपनी तरफ से जो सैमसंग के बेस्ट फोन है उस प्राइस पॉइंट पे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, 5,000 से 6,000 का बजट है आपका, तो यहाँ पर आपके लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशंस हैं। ये दोनों फोन्स दोस्तों 4G फोन्स हैं। इस बजट में 5G फोन्स आज की डेट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे आने वाले समय में शायद सिचुएशन थोड़ी बदल जाए। 4GB रैम देखने को मिल जाएगी आपको, 64GB की स्टोरेज है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, तो आप SD कार्ड लगा सकते हो। प्रोसेसर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो बहुत ही बेसिक है, काम के लिए आप यूज कर सकते हो इस फोन का, जैसे कि कॉलिंग वगैरह हो गया या फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब आप देख पाओगे। तो दोनों फोन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F04 और M04। अब अगर आप बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, अंडर 10K के आसपास अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 5G वाले फोन्स देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे सैमसंग की ब्रांड में भी। तो यहाँ पर भी दोस्तों दो ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी F14 और गैलेक्सी M14। दोनों फोन्स काफी ज्यादा सिमिलर है, तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी फोन उस समय पर सस्ता मिल रहा हो वो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंटली खरीद सकते हो। सबसे बड़ी बात जो है इन दोनों फोन्स की, ये दोनों ही फोन 5G एनेबल्ड फोन्स हैं। इनके अलावा दो फोन्स और हैं F13 और M13, वो दोनों फोन्स भी आपको अंडर 10K मिल जाएंगे, लेकिन वो दोनों फोन्स नहीं खरीदने आपको, क्योंकि वो 4G एनेबल्ड फोन्स हैं, उनमें 5G का आपको सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब 6-7 हज़ार के अगर बजट में मिलते हैं ये दोनों फोन्स तो आप इनको देख सकते हो। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो 6GB रैम वाला वेरिएंट लेना, 4GB रैम वाला वेरिएंट मत लेना 2024 में, वरना पछताओगे। बाकी जो अच्छी चीजें मिल जाती है वो आपको मिल जाती है, फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है, बैटरी आपको 6000 mAh की देखने को मिल जाएगी दोनों ही फोन्स में, एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि डिसेंट एंट्री लेवल प्रोसेसर है। मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि थोड़ी बहुत एप्स में अपने फोन में डाल के अपने फोन को यूज करना चाहता हूँ एक रिलायबल सी एक्सपीरियंस के साथ, तो ये फोन आप फिर कंसिडर कर सकते हो खरीदने के लिए। लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है सभी फोन का इस वीडियो में। थोड़ा सा बजट और बढ़ाते हैं, तो 15,000 का बजट एक ऐसा बजट है जहां पे आपको एक अच्छी डिस्प्ले भी मिलना शुरू हो जाती है। जो फोन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बस नॉच जो है वो टीयर ड्रॉप डिस्प्ले वाली नॉच है, तो उससे थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। प्रोसेसर में भी आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा कि अब आपको मिड लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा, एक्सिनोस 1280 के प्रोसेसर के साथ आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो और बाकी एप्स वगैरह आप कन्वीनियंटली चला पाओगे। अगर आप ऐसा फोन देख रहे हो जो भाई फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो यहाँ पे अपडेट्स के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा आगे, क्योंकि एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। बैटरी भी पावरफुल है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये भी मान लो कि एक्सिनोस की वजह से बैटरी थोड़ी ज्यादा भी चूसी जाती है, तो भी ये फोन आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देगा। जिस फोन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं वो है गैलेक्सी M34। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे आपको गैलेक्सी A14 और A23 भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गैलेक्सी M34 होगा इस प्राइस पॉइंट पर। अब 20,000 के बजट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम है, बहुत ज्यादा फोन्स नहीं है मार्केट में जो आपको अच्छे मिलेंगे सैमसंग के ब्रांड के अंदर ही। अगर आप देखने जाओगे तो आपको गैलेक्सी A15 मिल जाएगा, 5G एनेबल्ड फोन है, ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गैलेक्सी M34 में 8GB वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो, अगर आप बजट को थोड़ा खींच सकते हो 20,000 रुपए तक। बाकी A15 में आपको ओवरऑल एक बेहतर अपडेट पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि वो फोन अभी 2024 में ही लॉन्च हुआ है। अब 25,000 के बजट में आपको सैमसंग फोन्स में और थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे OIS हो गया, कैमरा इंप्रूव्ड हो जाएगा, नाइट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आता है सबसे पहली रिकमेंडेशन, तो सैमसंग का गैलेक्सी F54। आपको इस फोन में नाइट मोड के लिए थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी, 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईशन आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी, जो कि हम सबको पता है कि सैमसंग के फोन्स में जरूरत पड़ी जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सिनोस का चिपसेट ही तो लगा है इस फोन में भी। बाकी अपडेट्स के मामले में आप यहाँ पे भी सॉर्टेड हो, क्योंकि आपको 4 साल के अपडेट्स तो इस फोन में देखने को मिलेंगी, तो एंड्रॉइड 17 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो फ्यूचर प्रूफ भी है ये फोन। इस फोन के अलावा एक A34 का ऑप्शन आप और देख सकते हो जो 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में मिल जाता है, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में A34 वर्सेस गैलेक्सी F54 में आपको F54 में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। A34 में जो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो सिर्फ IP67 की रेटिंग है, बाकी हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट F54 A34 से बेहतर ही निकल के आता है। इसके अलावा सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE भी मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन 2024 में दोस्तों मैं आप सभी को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप नया S20 FE खरीदो, वो भी 25,000 के प्राइस पॉइंट पर। उसकी मेन वजह यह है कि आपको इस फोन में और ज्यादा अपडेट्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज में ये फोन बहुत अच्छा है, इसमें प्रोसेसर भी तगड़ा लगा हुआ है, कैमरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन अपडेट्स ना मिलना 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मुझे ज्यादा तुक नहीं लगता है, तो ये फोन मैं ज्यादा अच्छे से रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा आज की डेट में। बाकी अगर आपको बेस्ट फोन
फोन अंडर 25,000 जानने हैं कौन से मेरे हिसाब से, तो वो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बात करी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा बजट और 25,000 से बढ़ा के अगर 30,000 तक ले जा सकते हो तो इस प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में भी मेरे हिसाब से ये फोन काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इस फोन को दोस्तों कई खिताब मिल चुके हैं, किंग ऑफ स्मार्टफोन आज की डेट में इसका बहुत पॉपुलर टाइटल है। ये फोन है गैलेक्सी S21 FE 888 वाला वर्जन जो 2023 में रीलॉन्च किया था इंडिया में। इस फोन में आपको काफी सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, सैमसंग वन यूआई का एक्सपीरियंस है, IP68 की रेटिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है S21 FE के रिव्यू के अंदर, वो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है तो ये फोन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स तो आपको पक्का से मिलेंगे, बाकी अगर सैमसंग का मन आ गया हम पर तो एंड्रॉइड 17 तक का भी अपडेट शायद दे दे वो लोग। अब इतनी सारी चीजों में ये फोन अच्छा है, एक कमी जो इस फोन के अंदर है वो है बैटरी लाइफ, जो थोड़ी इंप्रूव करी जा सकती है। अब 4500 mAh की बैटरी देखने को तो मिल जाती है वैसे, लेकिन अगर इसको आप ज्यादा हेवी यूज करने लग जाओ तो आपको एक दिन में शायद दो बारी चार्ज करना पड़ सकता है ये वाला फोन। अगर आपको इसी प्राइस पॉइंट पे एक बड़ी बैटरी वाला सैमसंग का कोई फोन लेना है तो आप थोड़े से पैसे और डालकर गैलेक्सी A54 जो है वो खरीद सकते हो आप, क्योंकि उसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब यहाँ पे बड़ी बैटरी तो दे दी सैमसंग ने, लेकिन बाकी सब चीजों में थोड़ी थोड़ी करके कटौतियां कर रखी हैं। इन दोनों ही फोन से मैंने डिटेल में कंपैरिजन करा था यहाँ पर इस वीडियो में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मोटा माटी अगर समराइज करके बताऊं तो ये फोन भी एक अच्छा फोन है, लेकिन बस S21 FE में आपको थोड़ा ज्यादा फ्लैगशिप और प्रीमियम वाली फीलिंग आएगी। और फिर इतने पैसे खर्च रहे हो तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन ही लोगे ना मेरे हिसाब से। तो अगर आपने बजट का मन बना लिया 40,000 रुपए का और आपको सैमसंग का ही कोई फोन लेना है, तो सैमसंग ने अभी हाल ही में S22 के प्राइस कट करी थी और ये फोन अब आप आराम से 40,000 रुपए के नीचे खरीद सकते हो। ये फोन दोस्तों लिटरली एक फ्लैगशिप फोन ही है, जब ये लॉन्च हुआ था तो 75,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था और आज की डेट में ये 40,000 रुपए के नीचे इसको आप खरीद सकते हो, तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल फ्लैगशिप वाला ही मिलेगा। अब इस फोन में परफॉर्मेंस, कैमरा, आईपी रेटिंग ये सब तो प्रीमियम ही मिलेगा ही मिलेगा, बस यहाँ पर आपको जो मेन दिक्कत आप फेस करोगे वो है बैटरी के डिपार्टमेंट में, क्योंकि S22 में भाई बहुत कम बैटरी है, लगभग 3800 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस फोन को लेके मीडियम टू हैवी यूजेज भी करोगे तो आपको हो सकता है एक दिन में दो बारी चार्ज करना पड़ सकता है ये फोन। और अगर आपके लिए बैटरी एक बड़ा कंसर्न है और आप परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा हिट ले सकते हो तो सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A73 आपके लिए काफी वैल्यूएबल ऑप्शन रहेगा। एक तो उसमें स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, और दूसरी चीज जो आपको अच्छी देखने मिलेगी वो है कि यहां पे आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। मैंने लास्ट ईयर 778G वाले कुछ फोन टेस्ट करे थे अपने चैनल पर, आप चाहो तो जाके वहां पे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। बाकी अगर आपको बजट 40,000 है और आप सैमसंग के अलावा भी फोन कंसिडर कर सकते हो तो इस वीडियो में मैंने बेस्ट फोन अंडर 40,000 के बारे में बात करी है, वो आप जाके चेकआउट कर लेना एक बार। तो अगर आपको सैमसंग का ही फोन लेना है तो ये लिस्ट थी मेरे हिसाब से हर प्राइस पॉइंट पे कौन सा फोन सैमसंग का बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये जानना है कि भाई सैमसंग के फोन में बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 10 से भी ज्यादा टिप्स बताए हैं जो आप सेटिंग में आगे चेंज कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी लाइफ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी, तो ये वीडियो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपको 40,000 के प्राइस पॉइंट पे ये 3 फोन में कंफ्यूजन है तो ये वाला वीडियो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।